ओम शांति। आज विषय वस्तु कर्म योग। ए विषय वस्तु कर्म सहित योगर कौन बा संबंधटा रही विषय कहवा पूर्व योग को तो आपण माने समस्ते किछि किछि अंगे निभौथिबे, निश्चय किछि अनुभव करी पारुथिबे। कारण ए संसार धर्मपरायण भी कम नुहंती, योग शिखेला वाला योगी भी कई कम नुहंती। कहार ना कहार मन चाहे वस्तु सहित, मूर्ति सहित बा कौनसी ना कौनसी धर्म पुस्तक सहित, बाबा गुरु साधु संतों सहित गोटे संपर्कटा थाए बा गोटे रिलेशन थाए, जोगाजोग थाए। तेणु योग माना ही जोड़ीबा। योग भीतर भी कर्म, कर्म भीतर मते योग। जो भाया गोटे सर्कस रे आपण देखुथिबे केते जे बैलेंस रखिकरी गोटे सामान्य गोटे दौड़ी उपरे जणे चली पारुची, बैलेंस रखिकरी गोटे साइकिल चले पारुची, विभिन्न कला देखे पारुची। ए भाया गाँव मानकर देखिए स्त्री लोक माने मुंड उपरे चारि पांचटी माठिया को रखी कौन करते कर्म आगे जाती, तो से मध्य गोटे कर्म। माने मो कहिया उद्देश्य कर्म योग माना कर्म संतुलन बा बैलेंस। किंतु निष्काम योगी बा कर्मयोगी माने या नुहे सब प्रकार कामना बा सब प्रकार इच्छा को छाड़ी गेरुआ वस्त्र पिंधि जंगल को चली जीवा, पारिवारिक जीवन रो सब प्रकार मोह माया को काटिकी चली जीवा ता नुहे। किंतु कर्मयोग माना भोग विलास को त्याग करी जो भोग विलास जो आत्मा को मनुष्य को निजर मन को कलुषित करदे विभिन्न प्रकार कामना लालसा इच्छा तृष्णा जहाद्वारा कि मनुष्य दुखी हो जाऊँ, से सब प्रकार इच्छा लालसा कामना को दूर से रखी जेद आम शुभ कामना रखा अर्थात निष्काम कामना रखतु किंतु विश्व कल्याण कामना बा कौनसी ना कौनसी मंगल कामना से कामना भितरे ना निज को दुख मिलिवो ना सामना वाला को दुख मिलिवो। सेथिपाई कर्म योग गोटे एभले अस्त्र, से अस्त्र आम को निहाती दरकार काहेकि मनुष्य कर्म प्रिय। सेथिपाई कर्म आम प्रति मुहूर्त करुचे, देखिया भी गोटे कर्म, शुणिया भी मध्य गोटे कर्म। ये हाथ द्वारा मुझे जन को आदर सहित सम्मान सहित गोटे खाद्य देली बा जदि भल व्यवहार देखली एवं आखि द्वारा देखा समय जदि मु शुभ भावन देखिली, पवित्र भावन देखिली, से भी तो गोटे कर्म। किंतु जन को देखा बेले मुझे रागिकी अशांत होकरी एवं कौनसी ना कौनसी प्रतिशोध भावना रखिकी ताद व्यवहार कली बा कामना भावना रखिकी व्यवहार कली ताले सेटा कौन से जदि बा गोटे कर्म हैला, किंतु गोटे दुखदायी कर्म गोटे सुखदायी कर्म। किंतु आम मनरे जो पर्यंत ए तोर मोर भावना रहिबो आज मनीष बे लगाम घोड़ा ही मन को कुआडू ना कुआडू को गति करू गति ही चली जाऊँ। जेंते गोटे घोड़ा पर बस्था चाड़क जी लगाम को जदि ता हाथ में आयतर न रखिला तो से बसी लोकर अवस्था कौन हम। कर्मयोगी से सदा बेले निष्काम भावना रे जो कर्म करे, निष्काम भावना कामना थिबो किंतु भावनाटा विश्व बंधुत्व कहतु बा सद्भावना। जे कर्मयोगी व्यक्ति से खाइबा समय आसक्ति मनरे से खाऊनी, से खाऊची जदि भगवान कर प्रसाद भाविकरे कि आमे केवल चुपचाप ही बसी जाई राम नाम नहीं जीवा कि हरे राम हरे कृष्ण कहीदेवा ताहले आमर मंत्रटा आमर जो स्तुतिटा भगवान पाखरे पहुँची जीव कि से संतुष्ट हो जीवे
ता नुहे से कहते कर्म कर किंतु भोगीवादी नही राजयोगी अर्थात योगी हो कर्म कर योगी माना अटेंशन ध्यान माना अटेंशन जगीवा अर्थात निज को ध्यान देवा मो कर्म इंद्रिय माध्यम रे कहा प्रति कौन सी दुखदायी कर्म होनी तो आम संसार को जो आसीचे आम कर्म योगी हेबा माने या नुहे कि आम सब प्रकार त्यागी होकर आम वैराग्य भावना रखी का सहित तो मिसीबानी कहार भलमंद कथा न बुझीबा किंबा शुष्क सन्यासी होकर गोटे निरला जगार निरल स्थान एकांत हो जीवा एटा प्रकृत कर्म योग नुहे। गीतार जो महावाक्य कि हे अर्जुन कर्म करी जा किंतु कर्म प्रति कौन रखनी आशा रखनी से भाया आम समस्ते से परम पूज्य परमात्मा संतान जो माने कर्म योगी होकर संसार जाइंट जहाँ आम योगेश्वर कहचे से श्रीकृष्ण कहतु वा भगवान राम कहतु जहाँ आम योग द्वारा से माने जन्म नहीं आम कहचे योग शक्ति से माने जन्म लाभ कले से योग शक्ति अर्थात जो जन्म हैला संसार को जो आसी तो से माने कौन कर्म करना कि आम जो देवादेवी को देखुचे से मानकर कौन पर नाला कि से माने भी तो गोटे पारिवारिक जीवन रे रहिले तो से भाया बर्तमान भगवान कहते कि गृह रही गृहस्थ रही गृह को आश्रम भाया तैयारी कर ए गृहस्थ आश्रम माना कर्म योग प्रति कर्म इंद्रिय को केमती बैलेंस रखिक अर्थात संतुलन जीवन जेमती आपण को बुझाऊ कि सर्कस कथा तो से भाया ए कर्म मत गोटे सर्कस भाया कई गोटे कवि कहते ड्यूटी इज ब्यूटी अर्थात ड्यूटी इज गॉड बोली कहते कर्म ही भगवान अनेक भी धारणा भगवान भगवान को न माने कहते कर्म करी जाओ यही तो भगवान कई गोटे महात्मा कहते मानव सेवा ही माधव सेवा अर्थात माधव सेवा ही मानव सेवा यही भाया माधव अर्थात आम जदि सत्कर्म आड़ को जीवा यही तो माधव सेवा यही तो भगवान सत्कर्मर अर्थात कर्म योगीर श्रेष्ठ लक्ष्य कहतु बा कर्म योगीर श्रेष्ठ उद्देश्य आम यदि भावना रखा मुसीचे कौन पाई मु तो आसीचे एथपाई कि समस्त को किसी आदर सत्कार देवाई आपण देखु जो ऋषि मुनि आज को शहे वर्ष तौक चली जातु जो ऋषि मुनि साधु संतगण गुंफा मान जो बसी तपस्या मग्न से घर घर जाई भिक मगुन कि हाथ पोति मगुन खाद्य पाखे पहुँची जाऊला अर्थात मोर कह उद्देश्य से गोटे निरला जगार गुंफारे बसी तपस्या रत तपस्या मगन आपे आपे खाद्यटा पहुँची जाऊला माने कौन से तो मगुन किंतु से जो कर्म करता जोगरूपक कर्म जो बसिक जो तपस्याटा कले ध्यानटा जो कले से ध्यान रूपक कर्म ताको निष्काम करदेला को कामना रही जेहेतु तांकर सर्वस्व सबकि ऊपरवाला परमात्मा बा भगवान से समर्पित हो गले से खाद्यटी आपे आपे तांक पाखरे पहुँची जाऊला तो यही भाया से समय को आज समय सहित तुलना करंतु आज भोगवादी मानव भोगरे भोग विलास माति भोग विलास लिप्त भावुचंती काम अर्थात कामना जदि न रखिबा ताले बंचिबा केमती जदि कामना को छाड़ी देबा वा काम विकार को जदि छाड़ी देबा ताले संसार चलिबो केमती तेणु भगवान परमात्मा कहुचंती रख कामना किंतु को कामना जहाँ को कह विश्व बंधुत्वर कामना अर्थात बेहद्र माना जहाँ को कह अनलिमिटेड कामना अर्थात असीम कामना
जो कामनाटा सीमा भितर नुहे मु एकुटी आसीचे एकुटी जीवि ए तो समस्तंकर भावना किंतु आमी जब बांधी ही जाऊचे गोटे छोटिया बुढ़ियाणी जितेले से तार लाळ को बाहर करी से तार गोटे छोटिया बसा करी से बंधन रे बांधी ही जाऊचे किंतु ता पाखरे एतिकी विद्या अछि ज्ञान अछि से जो जाल तयारी कला बसाटी तयारी कला किछि समय परे से ताकु से खाई पकाई माने से जाल को जो तयारी कला पूर्ण परमूर्त रे से बंधन भितरु मुक्त हो जाए किंतु आज मनीष कर्म करुछे सिना किंतु बंधन भितर एमिती बांधी जाऊचे कारण एई जो निष्काम भावना नाही किछि ना किछि कामना चाहे निज पाई हो कि अन्य पाई हो ता माने नुहे आपण कर्म कौनसी प्रकार कामना न रखी शुष्क हो जिवे ता भी नुहे किंतु एई जो कामना मु कहली जोटा कि आम कहचे शुद्ध कामना जेतिक आमको आवश्यक खाइवाटा सेतिक खांतु जेतिक आवश्यक निजर रोजगार सेतिक रोजगार करंतु जेतिक धन उपार्जन करी पांच जणकर बा अनेकंकर सेवा अर्थ रे लगया सेवा ता भी करंतु किंतु से सब प्रकार कर्म करी मध्य कौनसी प्रकार जदि आपणकर लोभ लालसा न रहिला कौनसी प्रकार जदि कामना न रहिला ताहले सेटा ही तो बहुत बड़ तपस्या कहंतु बा त्याग कहंतु एवं भगवानकर मध्य गोटे अवदान कहंतु तेणु आमको से यही अवदान विश्व बंधुत्वर अवदान वर्तमान स्वयं नियंता परमात्मा से आमको कहुचंती कि तमे कर्मिंद्रिय मान ये कर्मिंद्रिय गुड़िक मिली ए शरीर रूपक मंदिर ए समस्त कर्मिंद्रिय गुड़िक किए सेवक ए सेवक को आदर सहित सेवारे लगाओ जेंती गोटे मंदिर भितर गोटे पूजारी जदि से मंदिर को संभालुची किंतु निमित्त होइकरे से मंदिर को संभालला समय रे से भावु नाही कि मंदिरटा मोर तो सेई भला जे कर्मयोगी से सदाबेले मोर रूपक मोह को दूरे दिए सदाबेले भावे मु तोर तू मोर हे ईश्वर मु ही तोर तो तू भी मोर एई भावना कर्मयोगीर मूल मंत्र एई मंत्र को आमे सदाबेले मन भितरे धारण करिबा काहेकि जानीचे खाली हाथ रे आसीचे खाली हाथ रे जीवा कौन बा नेकरी जीवा से होची श्रेष्ठ कर्म रूपक संपत्ति कर्मयोगी से सदाबेले प्रति मुहूर्त रे तार प्रत्येक कर्म उपरे एभळिया ध्यान दिए काहेकि कर्म फल एभळिया कि आमे जो कर्म करूचे जहार जो कर्म किए कापी कर्म को नहीं पारे ना चाहे भल करतु कि मंद करतु जैसी करणी वैसी भरणी अर्थात आम जो भाया कर्म करूचे तार फल प्रत्यक्ष रूप से यही जीवन हो कि आर जन्म को हो भोगिया को बाध्य अनेकंकर धारणा कि योग किंबा कर्मयोगी बा योग अभ्यास करिवा ए बयस रे कौन बा दरकार बुढ़ा बुढ़ा बुढ़ी हेला परे कि समय आसला परे वृद्ध अवस्था हेला परे अभ्यास करिवा ए जो भावना कहीं के आसुची समस्तंक पई ए शुभ वार्ता कि कर्म योग माने या नुहे पाठ पढ़िया बंद कर देवा कि कह सहित मिला मिसिबा बा कह सहित कथार्ता हबा कि कह सहित व्यवहार करिया ये सब बंद कर दा ता नुहे समस्त सहित समदृष्टि भावना रखी समस्त सहित स्नेह श्रद्धा सहानुभूतिर भावना रखी आमे जदि कर्म करिबा किंतु एई जो भावनाटा जहाँ को आमे कहुचे आसक्तिर भावनाटा ताकू आमे दूर रे रखिबा आसक्ति माना
এই যে আসুচি আসক্তি অর্থাৎ আত্মিক স্থিতি জাগরে যে আমি দেহিক স্থিতি আসিগলা আ মানা আত্মা কিন্তু আত্মা জাগ যদি দেহ বলে ভাবি নেলু তো দেহ ন ভাবি মু আত্মা এই মধ্যে গোটে আত্মা যে কি মো সামনারে তেণু কর্মযোগী সে সদাবেলে এক লগন এক নিষ্ঠা যেমিতে একলব্য সে কোনসি গুরু নকরি মধ্যে সে ধনুর বিদ্যাকু শিখি পারিলে কো মাধ্যমে সেই মাধ্যমই হেলা সে তাঙ্কর লগন থিলা তাঙ্কর ইচ্ছা থিলা এবং তাঙ্কর পারিশ্রম থিলা সেই ভলা আমি সমস্তে ধ্রুব কুহন্তু প্রহ্লাদ কুহন্তু বা একলব্য কুহন্তু সে ভি তো গোটে ছোটিয়া ছোটিয়া বাড়ক তো সেই ভলা বর্তমান পরম পূজ্য পরমাত্মা বা ঈশ্বর ভগবান আমাকে সময়ের সূচনা দৌঁচন্তি কর্মযোগী মানা সময় প্রতি মধ্যে আমাকে টিকে ধ্যান দেওয়া দরকার কাহিঁকি সময় যদি বিতি যাব পুনি দ্বিতীয় থর সে ফেরিব না অর্থাৎ সময়কু মধ্যে আমি কেমতি সঞ্চয় করিবা সময়কু মধ্যে আমি কেমতি আয়তরে রখিবা এই কর্মযোগী পাই বিশেষ রূপে ধ্যান দেওয়া পাই পড়িব কারণ কর্মযোগ মানা আমি যা নিঃশ্বাসটা নৌচে এই নিঃশ্বাস ভিতরে গোটে কর্ম এবং প্রশ্বাসকে ছাড়ুচে নিঃশ্বাস নেবা ছাড়িবা এ ভিতরে গোটে কর্ম কিন্তু কইপারিবে কি কোন নিঃশ্বাসটা অন্তিম হব শেষ নিঃশ্বাস হব সেথিপাই ভর্তান বিশ্ব নিয়ন্তা পরমাত্মা এই আহ্বান করছেন কি সদালে ভাব আমি অতিথি হইকরি আসিছে অতিথি হইকরি আসিছে যা বি অতিথি হইকরি সেথিপাই বর্তমান বিশ্ব কল্যাণকারী আম প্রতি এই কল্যাণ ভাবনা রাখুছেন সদালে ভাবি নিও কি আমি এই মুহূর্তে বা আজি মধ্যে যদি অন্তিম নিঃশ্বাস যদি মোর শেষ হয়ে বা কাল যদি আসি পৌঁছে যাব মু ধর্মরাজ পাখরে হসি হসি তাঙ্ক আগরে মু হসি হসি মধ্যে তাঙ্ক আগরে মু মোর কর্মর রূপরেখা দেখাই পারিবি কি মু জীবনে কোনসে ভলা পাপ কর্ম কুকর্ম করি নাহি যে মু ধর্মরাজ বা ভগবানক পাখরে মধ্যে নতমস্তক হয়ে মুন্ডকে নুয়াইওয়া পড়ব এই হচ্ছে কর্মযোগীর বিশেষ মানে বিশেষ লক্ষ্য এই লক্ষ্যকে নিয়ে আমি সমস্তে আগেবা যাদ্বারা সংসার বিশ্বর যথাশীঘ্র পরিবর্তন আড়কু গতি করিব ওম শান্তি। কর্মর গহন গতি বড় বিচিত্র এ অতি কর্মর গহন গতি বড় বিচিত্র এ অতি যেপরি কর্মকু সেপরি ফল যেপরি কর্মকু সেপরি ফল এই তো সংসার নীতি কর্মর গহন গতি বড় বিচিত্র এ অতি কর্মর গহন গতি বড় বিচিত্র এ অতি বড় বিচিত্র এ অতি যেপরি কর্মকু সেপরি।
कर्मर गहन गति बड़ विचित्र अति कर्मर गहन गति बड़ विचित्र गति। मंडल कारागार संबलपुर अंतेवासी राजयोगी भाई मानंकर दैनंदिन योगाभ्यास नियमित ज्ञान मुरली क्लास और सकारात्मक परिवर्तनर छाप बेस सुस्पष्ट। बंदी गृहरे रही मध्य एमाने बेफिकर बादशाह, मनरे भरपूर आनंद, समस्तंक पाई सद्भावना। अन्य बंदी भाई माने मध्य एही कार्यक्रम रे बेस प्रभावित। ए संपर्क रे जेल परिवेश उपरे राजयोग शिक्षा प्रभाव रे किपरि एक शांतिर वातावरण सृष्टि होईछि ता संपर्क रे जेल उन्नयन अधिकारी कहंती, प्रतिदिन आसी आमर बंदी मानक 35 जन बंदी मानक से माने सद्गुण सद्भाव सद्भावना शिक्षा दौरान जहाँफल बहुत बंदी मुझे देखुची बहुत बंदी मानक परिवर्तन होने मादक द्रव्य खाऊना आईस आमिष भी खाऊना आम जहाँ अनुभव कर बहुत बड़ा परिवर्तन है और धर्म कम करने मन आग्रह दिनक दिन बढ़ुची आ पूर्व कर्म आ पूर्व जहाँ करते जो राग ये हिंसा क्रोध मोहमाय से ग्रास करता से आस्ते आस्ते से दूर है बोलिक आत्मबोध आत्मविश्वास कर। जेल रे शिक्षा दीक्षा देवा लगी निजुक्त शिक्षक जेकि बंदीशाला परिचालित ए राजयोग क्लास रो जने प्रत्यक्ष निरीक्षक से निजर मतव्यक्त करी कहंती, जे ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ए जो योग शिक्षा करा जाउची या द्वारा बहुत अंतवासी ऊपर भल प्रभाव पड़ी एवं से माने ठीक हिसाब से चालचलन आम जहाँ लक्ष्य करुँ बहुत परिवर्तन परिलक्षित होउची। योग कर्मसु कुशलम एही बंदी भाई माने निज निज हस्तकर्मरु सुंदर स्वाक्षर छाड़ी दे जाइछंती मोहम्मदती चादर बेडशीट और दरी इत्यादि तैयारी करी। मु अर्जुन रंजन पंडा, जन्म 28/8/1936, 70 वर्ष हो गला। 1978 मसीह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रो शाखा संबलपुर को आसला। मु देखिली जे एही अनुष्ठान रे स्वच्छता रही स्पष्टता रही सत्य रही शांति रही आनंद रही सबो किछि रही मनुष्य पे जहाँ भल जिनस दरकार सबू रही तो आपे आपे मु संस्था आड़ को आकर्षित है। मु कहली संस्था भारी भल लगे जाइली आमर माउंट आबू को से गोटे स्वर्गभूमि स्वर्ग आनंद पाइली सबुतिर मोर जीवन रो मु जोर दे कहूँ पुणी जे एही संस्था द्वारा बहुत 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 शांति पे मु जने सुखी ही पारिची।